Good morning, students. We have started innings 11.1 and today we will start from question number 5. Complete the table using given formulas. बेटा आपको table given है A, B, 5, 6, 7. B में लिखा है 36 and 49. And this box is empty in your book. है ना? And same in part B, X, 3, 4, 5, W, 8 and 10 missing, 12. यहाँ गिवन है, ठीक है. तो हमें ये फॉर्मूला गिवन है आपकी बुक में, b इज इक्वल टू a इंटू ए. तो मीन्स कि जब आपने b फाइंड करना है तो आपने a को 2 times मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे a 6 है, 6 द 36 आया, यहाँ पे 7 द 49. तो इट मीन्स यहाँ पे इस बॉक्स में कैसे आएगा, 5 × 5 = 25. ओके, नाउ पार्ट बी. बी में देखो टेबल गिवन है 8 और 10, यहाँ पे हमने देखना है कि कैसे आया. और ये भी आपको गिवन है W इज इक्वल टू 2 × x + 1. तो W की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x में 1 प्लस करी है, 3 + 1 = 4, और फिर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8. ठीक है, ऐसे ही 4 में 1 प्लस किया, 5 × 5 = 10. तो ऐसे आपका ये आपकी बॉक्स में 8 और 10 आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले देखो इसमें है क्या है आपका. टेकिंग अ वेरिएबल n, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. वो कह रहा है कि एक वेरिएबल लीजिए और फिर हमने जो हमें क्वेश्चंस गिवन है 6 क्वेश्चन नंबर में जे पार्ट तक, उसके लिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल 2x + 9. देखो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, और वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, इनमें से कोई भी एक साइन होता है. जस्ट लाइक हियर x इज़ अ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और 2 और 9 क्या है, कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. ओके, सो नाउ कम टू पार्ट ए. 90 टेकन अवे फ्रॉम अ नंबर. देखो अब जहाँ भी उसने नंबर लिखा होगा ना, वहाँ पे हम n लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि हमने जो भी वेरिएबल लेना है वो n के साथ उसको लेना है. तो 90 टेकन अवे, टेकन अवे मीन्स कि हमने माइनस करना है, n माइनस 90, बस हमारा आंसर आ गया. ठीक, मीन्स कि जो क्वेश्चन में बोला है हमने उसको उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देना है. ठीक, द सम ऑफ ए नंबर एन 36 डिवाइडेड बाय 13. सम ऑफ ए नंबर, नंबर को लिखेंगे n और 36 प्लस, इन दोनों का प्लस, डिवाइडेड बाय 13. 13 को डिवाइड करना, तो हम डिवाइड का सिंबल नहीं लगाएंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन 46 एंड ए नंबर. नंबर और 46 के बीच का डिफरेंस, 46 माइनस n, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, सम मीन्स प्लस. देन पार्ट डी, क्वोशेंट ऑफ 20 एंड ए नंबर. 20 का क्वोशेंट एंड नंबर मीन्स कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, 20/n. ठीक है, आपने इसको याद रखना. नेक्स्ट पार्ट ई, 1/3 ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 62. 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 1/3, नंबर कौन सा लेना हमने, n. 1/3 का मतलब 1/3. ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 62, इंक्रीज्ड बाय का मतलब आपने इसमें 62 प्लस करने हैं, तो 1 × n, n/3 + 62. ओके, सो देन पार्ट एफ आप खुद करेंगे. जी, 55 times अ नंबर एडेड टू 4. बेटा देखो 55 times का मतलब 55 ने n से मल्टीप्लाई होना है. ठीक, और उसमें ये किस में ऐड हो रहा है, 4 में, 4 + 55 n. ठीक है, तो मीन्स किसी भी नंबर का 55 times 4 में ऐड हो रहा है. ठीक, नाउ h पार्ट, 75 मोर देन द क्वोशेंट ऑफ ए नंबर एंड 3. 75 मोर देन, जब मोर देन आ गया सो इट मीन्स यहाँ पे भी 75 ने प्लस होना है, एंड क्वोशेंट ऑफ ए नंबर इसको n बाय 3, जैसे हमने अभी यहाँ पे डी पार्ट में किया. ओके, सो नाउ पार्ट आई, फ्रॉम द सम ऑफ 15 एंड अ नंबर सब्ट्रैक्ट 4 times अ नंबर. सम ऑफ 15 एंड नंबर, इन दोनों का सम हो गया, इसमें से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 times अ नंबर. 4 times का मतलब 4 10. ठीक है, टाइम्स में होता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है वो नंबर. ठीक, सो ऐसे ही आपने इसका जे पार्ट भी खुद ट्राई करना है.
ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बेटा, टेक केयर।